नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमटीवी न्यूज में। और फिलहाल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आप सबको पता होगा, और इसीलिए कोरोना सिर्फ खांसी हुई सर। मेरे वो ज्यादा कुछ नहीं सुना, तुम जाओ यहाँ से। कैमरामैन किसी और को लेके आओ, कोरोना वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को। पर सर, इस वक्त मैं किसको लाऊं? कौन आएगा हमारे साथ? वो मैं कुछ नहीं जानता, हमारे स्टाफ में से किसी को बोल दो। सर, हमारा स्टाफ सिर्फ 3 लोगों का है, एक मैं, एक आप और एक रिपोर्टर जिसको आपने भेज दिया। देखो, ये हमारी पहली न्यूज है, तो किसी को भी तुम ढूंढ के लाओ। और वो कहां से लाओगे, किसको लाओगे, मेरे को कोई परवाह नहीं, बस तुम किसी को ढूंढ के लाओ। ओके, एक आदमी है सर जिसे हम बुला सकते हैं। आज सुबह सुबह ही मेरी उससे मुलाकात हुई। कौन है? सर जी, अपन एकदम म्यूजिक में मस्त मगन होते हुए नाचते गुनगुनाते हुए चल रहे थे। रुको, मेरे को तुम्हारे सिनेमैटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। ओके। अरे मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ, ऑफिस के सामने चाय की चुस्की लेने का मन हो गया तो चाय की चुस्की लेने चला गया। पर आपको पता है वहाँ पर क्या हुआ? एक कटिंग। ये लीजिए आपकी चाय साहब। आप एमटीवी में काम करते हो ना, मैंने आपको देखा है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को भी बुला लेना, मैं फीकी सलाह बहुत अच्छी देता हूँ। हाँ तो तुम जल्दी जाओ और उसको लेके आओ यार, पब्लिक वेट कर रही है हमारा, जल्दी जाओ। ओके सर, मैं अभी बुला के लाता हूँ। A few inches later। ओ कैमरामैन जी, डायरेक्टर जी, आपने मेरे को काम दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर क्या? ओके, नमस्कार, मेरा नाम है मोंटू चाय वाला। एमटीवी न्यूज के सामने ही मेरी चाय की दुकान है, आप कभी आइएगा, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। वैसे 5 रुपए की ही मेरी चाय मिलती है, वो भी आयुर्वेदिक चाय, ऐसे दाम में आपको कहीं नहीं मिले। ओ चाय वाले भैया, अपने बारे में नहीं बताना, इनको वो कागज दो ना जो बोल रहे हैं वो। अच्छा कैमरामैन, 5 मुद्दे मेरे को बोलने हैं क्या? पता नहीं, समझा नहीं। ओके डन। ओके मैं रेडी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोंटू चाय वाला। आप लोग मेरे को मिलना चाहते हो तो एमटीवी न्यूज के ऑफिस के सामने ही मेरी चाय की दुकान है। सॉरी डायरेक्टर जी, इतना तो मेरा फर्ज बनता है बोलने का। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है गाइस? देखो, लॉकडाउन बहुत जगह पे हो रहे हैं और बहुत से जगह पे हो भी गए हैं, तो लॉकडाउन में घर पे बैठकर क्या करें? देखो, आप लोगों को इतना नहीं पता कि घर पर बैठकर क्या करना है, तो आप क्या ही इंसान हो। देखो, सबसे पहले आपको मैं 5 मुद्दे बताऊंगा, उसमें लास्ट में एक बोनस मुद्दा फ्री में। वैसे मैं फ्री की सलाह ही देता हूँ, मेरे को सलाह देना बहुत पसंद है। ओके, तो गाइस पहले मुद्दे की बात की जाए तो ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है, तो आप दोनों गेमिंग कर सकते हो गाइस। गेमिंग, देखो गेमिंग में ऐसा नहीं कि आपको कैंडी क्रश वगैरह खेलना है, टेंपल रन, कैंडी क्रश, ऐसी गेम खेलोगे तो आपका टाइम पास नहीं होगा। देखो, आप खेल सकते हो तो फ्री फायर, COD, ऐसे बैटल रॉयल वाले गेम खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। अगर नहीं, कोई नहीं खेलता तो स्टार्ट कर दो, यहाँ पर मैसेज वगैरह आ जाता है तो मेरे को थोड़ा बंद करना पड़ रहा है। फ्लाइट मोड लगा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। देखो, फ्री फायर, पबजी, COD ऐसे गेम खेलो बैटल रॉयल वाले, जिससे क्या होगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए खेल सकते हो। यह सबसे अच्छी बात है कि फ्री फायर, पबजी, COD वगैरह खेल सकते हो। ऐसे बोलोगे कि यार फ्री पबजी तो बैन हो चुका है, पर आपको पता है कि बहुत जल्द आने वाला है, ऐसी न्यूज चल रही है, पता नहीं अब गारंटी नहीं है पर आने वाली है, ऐसी बात चल रही है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पबजी के लिए लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो गाइस ये ऐसा मुद्दा है, अगर आप चाहो तो पूरा दिन उसमें लगे रह सकते हो और टाइम ऐसे जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, और वो मुद्दा है मूवीज देखना।
पर मूवीज कैसी देखना। देखो आप लोग मूवीज कैसी देखते हो, जैसे कि धूम, क्रेज, ऐसी मूवीज देखते हो, पर मूवीज कैसी देखो, जैसे कि हैरी पॉटर, हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, हैरी पॉटर 4, हैरी पॉटर, ऐसी मूवीज देखो, सीरीज वाली मूवीज देखो, जिससे क्या होगा कि एक सीरीज एक बार आप बताओगे फिर ऐसा होगा कि यार दूसरा भी देख लेता हूँ, तीसरा भी देख लो, पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, फिर भी आपके वो क्या कहते हैं चैप्टर खत्म नहीं होंगे। तो ये दूसरा मुद्दा है कि आप मूवीज देखो, पर मूवीज कैसी देखना है, सीरीज वाली, जैसे कि आयरन मैन, आयरन मैन 2, आयरन मैन 3, वैसी मूवीज। ओके, और हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज देखो, आप वेब सीरीज सीरियल भी देख सकते हो। सीरियल आप कहोगे यार सीरियल, तुम सीरियल देखने को बोल रहे हो हमको, सीरियल तो हम हर रोज देखते हैं, वैसे सीरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रोमांटिक सीरियल्स की बात कर रहा हूँ। रोमांटिक मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों को ये बहुत पसंद आती है। जैसे कि मैं एक दो सीरियल्स का नाम बोलूँगा, देखो सबसे पहली डे ड्रीमर, एमएक्स प्लेयर पर आप सर्च करोगे डे ड्रीमर इन हिंदी तो आ जाएगा, हिंदी में, तमिल में लिखोगे तो तमिल में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ है, दो तीन लैंग्वेज में आया हुआ है। और दूसरी सीरियल्स की बात करूँ तो उसको मैंने दो तीन दिन पहले ही देखा, और वो उसको मैं नहीं देखता ना तो ये वीडियो आपको जल्द देखने को मिलता है। उसमें मैं टोटली खो गया था, तीन दिन या चार दिन हैट्रिक मैंने उसको देखा और ख़त्म कर दिया, चार दिन में पूरी सीरीज ख़त्म कर दी सीरियल की। ओके, तो दूसरी सीरियल की मैंने इतनी तारीफ कर दी, और नाम तो बताया नहीं, नाम है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन, ऐसा कुछ है, वैसे आपको स्क्रीन में देख ही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे मैं प्रोफेशनल बन गया गाइस, क्योंकि जब सलाह की बात आती है ना तो चाय वाला भी प्रोफेशनल बन जाता है। ओके, हाँ, तो दूसरे मुद्दे की समाप्ति हो गई है यहाँ पर। देखो तीसरे मुद्दे की बात करते हैं, तीसरा मुद्दा कुछ ऐसा है, देखो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि यार नहीं हमारे लिए नहीं, तो कुछ लोगों के लिए ही ऐसा है। मान लो देखो आप अपनी फैमिली के साथ गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि कैरम खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, लूडो भी खेल सकते हो। ओके, और क्या कर सकते हैं, वैसे उसमें बहुत टाइम निकल जाता है, कैरम में भी बहुत टाइम निकल जाता है, लूडो में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल जाता है, और क्या क्या मैंने दूसरा, चेस तो मेरे को आता नहीं तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। ओके, तीसरा मुद्दा थोड़ा छोटा था पर कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था। दूसरे गेम्स भी खेल सकते हो, मेरे को इतने ही पसंद नहीं, मेरे को इतने ही पता है, लूडो, कैरम, चेस, बाकी के मेरे को पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में थोड़ा बता देना। ओके, वैसे न्यूज़ चल रहा है क्या, वीडियो चल रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है डायरेक्टर जी, तो माफ कर दीजिएगा, अच्छा बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। देखो डायरेक्टर जी भी बोल रहे हैं कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, तो चलते रहते हैं। हाँ, तो तीसरा मुद्दा यहीं पर ख़त्म होता है, और बात करते हैं चौथे मुद्दे की तरफ। एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, हाँ मैं भूल जाता हूँ, एक्सपीरियंस ऐसा क्या है, एक्सरसाइज। हाँ, चौथे मुद्दे की बात की जाए तो गाइस एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कसरत कर सकते हो। यार मेरे को इंग्लिश आती नहीं, और ये सब इंग्लिश में लिखते रहते तो मेरे को कैसे समझ में आएगा। और हाँ ये भी आ सकता है, हाँ देखो चौथे मुद्दे में मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा। देखो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी बहुत बॉडी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम मस्कुलर बॉडी बिल्डर बन जाओगे, क्या है। देखो चौथा मुद्दा क्या ये सीन है कि आप बॉडी बना सकते हो, वैसे बॉडी ज्यादा एकदम मस्कुलर तो मैं नहीं कहूँगा, वैसे आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप थोड़ा बहुत फिटनेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में आप सब, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि यार खा के मोटे ही होते जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए। शादी नहीं हुई तो यार बहुत ज़रूरी है, फिर लड़की नहीं मिलेगी, और लड़की आप लड़की हो तो लड़का नहीं मिलेगा। वैसे मेरी शादी हो चुकी है, कभी मिलाऊंगा अपनी पत्नी से। वैसे मैंने ये अब मैंने सोचा था कि इस वाले वीडियो में लाऊं अपनी पत्नी को, पर मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला कि यार अभी मत एंट्री कराओ, उसके बाद एंट्री कराओ, क्योंकि एक साथ तुमने बहुत लोगों की एंट्री करा चुके हो तुम, तो बाद में आएगी अपनी पत्नी भी आएगी दूसरे वीडियो में शायद, डायरेक्टर की मदद से। डायरेक्टर जी थोड़ा बहुत कृपा कर देना, अगर ये वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मेरे को दिला देना। ओके, ब्रेक कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो एक्सरसाइज की बात कर रहे थे हम, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम बॉडी एकदम मसल्स बसल बैक लैग सब कुछ कंप्लीट कर दोगे, बट इतनी एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि थोड़े बहुत तो ऐसे गोटा वगैरह तो बने ना, जैसे मेरी तो जितनी है नहीं, पर थोड़ी बहुत तो फुगेली लगती होगी आपको। वैसे मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, चाय वाला होके भी एक्सरसाइज करता है, वाह कितनी बड़ी बात है, हाँ उतना तो करना पड़ता है।
ओके, तो चौथा मुद्दा यही था। पांचवें मुद्दे की बात करते हैं गाइस, पांचवें मुद्दे की। पर ये भी मैं भूल गया, थोड़ा देख लेता हूँ। ओ पता चल गया। अरे हाँ देखो, पांचवें मुद्दा का ये सीन है, लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है और लड़कों के लिए थोड़ा कम। पर ऐसा नहीं समझना कि लड़के नहीं कर सकते, लड़के भी बहुत कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बात लीजिए ना, तो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ इस बात में। वैसे आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ, चाय वाला हूँ तो समझ लो थोड़ा बहुत। मैं कुकिंग की बात कर रहा हूँ, आप कुकिंग सीख सकते हो, तरह तरह की कुकिंग सीख सकते हो। जैसे कि समोसे बनाना सीख सकते हो, नहीं आता होगा तो, और होम मेड मंचूरियन बनाना सीख सकते हो। पर वैसे मंचूरियन का ट्रेंड बहुत कम हो चुका है जब से कोरोना वायरस आया, क्योंकि मंचूरियन चाइनीज है, आपको पता होगा, और कोरोना वायरस चाइनीज। हाँ तो दूसरे पाव भाजी वगैरह, पनीर हो गया, ऐसा बहुत सा आप सीख सकते हो घर पर। वैसे हमने इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें क्या क्या घर पर बनाया था मैं आपको बता देता हूँ। समोसे बनाए थे, पाव भाजी बनाई थी, पनीर तो वैसे हम बनाते ही हैं, हमारे भैया प्रोफेशनल है उसमें। पनीर मेरे को नहीं आता, देखो मेरे को क्या क्या आता है कि समोसे आते हैं, वड़ा पाव मतलब पाव बनाने नहीं आते, पर वड़े बनाने आते हैं। ओके तो कुछ ज़्यादा ही हम एकदम जुड़ से चुके हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है कि एकदम हम अटैच हो चुके हैं, क्या बोलती पब्लिक। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, वैसे लास्ट आ ही चुका है, एकदम लास्ट में मैंने आपको बोला था कि बोनस टिप्स रहेगी लॉकडाउन में। सबसे मेन क्या होता है, टाइम पास करना। तो टाइम पास करने के लिए एक बोनस टिप है, पर वो सिर्फ लेजेंड के लिए है। लेजेंड अगर लेजेंड ये बोनस टिप का यूज कर लेते हैं तो फिर लॉकडाउन नहीं रहेगा। वो बोनस टिप्स है सोना। मेरे बेटे की बात की जाए तो वो रात को 1:30 बजे सोता है और उठता भी सुबह 1:30 बजे, मतलब 12 घंटे की नींद लेता है। फिर उसको दिन में क्या करना रहता है, वो नहाते नहाते ऐसे 2 बज जाते हैं, उसके बाद खाते खाते 3 बज जाते हैं, उसके बाद टाइम ही कितना रहता है, उसके बाद लगा रहता है फिर से फोन में गेमिंग। ओके और लास्ट में मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वैसे डायरेक्टर जी माफ़ कर दीजिएगा, आपने मेरे को 5 मुद्दे ही कहे थे, पर मेरे तरीके से मैं थोड़ा बहुत तो जनता को समझाना चाहता हूँ। देखो ये सब थोड़ा फनी वे में हुआ, अब थोड़े सीरियस वे में करते हैं। देखो आप यूट्यूब की दुनिया का सहारा लेके आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत कुछ। गेमिंग भी सीखते हो, देखो अगर तुम लोग अभी तक गेम नहीं खेलते हो ना, मैं तो कहता हूँ खेलो यार, लॉकडाउन में क्या पक जाओगे। पर आप लोग बिजनेस वाले हो तो आप ऑनलाइन बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हो। वैसे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो यही कहूँगा कि यूट्यूब का सहारा लेके बहुत कुछ नया नया सीख सकते हो, तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके तो अगर आपको आज की न्यूज़ में मज़ा आया होगा तो यहाँ पर आजू बाजू कहीं पर लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बहुत टाइम लगा है तो हमारी मेहनत का फल की तौर पर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस 1000 व्यूज की उम्मीद रखते हैं, तो 1000 दोस्तों को फैला दीजिए। ओके 1000 गाइस, 1000 व्यूज आ जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। 1000 लोगों तक वीडियो गया तो यार बन जाए।